अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल शबनम बानो किचन। और कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही थी अपने किचन में उड़द गोश्त, तो क्यों ना मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर की जाए। तो देखते हैं उड़द गोश्त बनाने के लिए मुझे किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। नॉर्मली चीज़ों से उड़द गोश्त बन जाता है जो हमारे घर में होती है, जैसे कि यहाँ मैंने आधा किलो गोश्त लिया है ना, और यहाँ मैंने 250 ग्राम उड़द लिए हैं। आप चाहो तो सोक कर लो और ना ऐसे ही डाल दो, मैंने तो ऐसे ही लिया है। यहाँ मैंने 3 बड़े प्याज लिए हैं और यहाँ कुछ सूखे मसाले लिए हैं, जैसे कि 1 से 1.5 चम्मच धनिया पाउडर है, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर है, 1 चम्मच हल्दी पाउडर है, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग है और 2 से 3 तेजपात के पत्ते हैं। यहाँ लिया है मैंने 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट और यहाँ लिया है थोड़ी सी सौंफ है, थोड़ा सा धनिया है, इसको मैं कूट के डालूंगी बाद में। और ये जब उड़द मेरा भुन जाएगा, जब गल जाएगी उड़द, उसके बाद मैं डालूंगी हरी मिर्च। तो दोस्तों, यहाँ मैंने एक कुकर ले लिया था और कुकर में 2 चम्मच मैंने सरसों का तेल डाला है। आप कोई भी तेल यूज़ कर सकते हैं, हमारे घर पे सरसों का तेल यूज़ होता है तो मैंने सरसों का तेल ही डाला है। यहाँ हम अच्छे से गरम कर लेंगे तेल को। तेल गरम हो चुका है, अब इसमें हम अपनी तो दोस्तों, यहाँ मैंने अपनी अनियन को डाल दिया है इसमें, और मुझे ज़्यादा गोल्डन ब्राउन करके नहीं लेनी, नॉर्मली पिंक कलर की अनियन लेनी है मुझे, करना है थोड़ी बस सॉफ्ट हो जाए, उसके बाद मैं अपना इसमें गोश्त डाल दूंगी। और गोश्त और उड़द में एक ही साथ गलाऊंगी, अलग अलग कुछ लोग अलग भी बनाते हैं, उड़द अलग गलाते हैं और गोश्त अलग गलाते हैं, लेकिन मैं एक ही साथ गला के बनाऊंगी। बहुत से लोग होते हैं नमक डाल के उड़द को अलग गला लेते हैं, लेकिन नहीं, मैं साथ में ही सब बना चढ़ा देती हूँ, इसके साथ बहुत टेस्टी बनता है ये भी, इससे टाइम की भी बचत होती है और बर्तन भी कम चलते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे बस प्याज को इतना ही पिंक कलर में करके लेना है। अब मैं इसमें अपना गोश्त को डाल दूंगी। थोड़ा मैं 1-2 मिनट तक इसको गोश्त डाल के भूनूंगी। अब मैं इसमें लहसुन अदरक डाल दूंगी, लहसुन अदरक का पेस्ट जो मैंने लिया था। और तेजपात के पत्ते, उनको डाल के मैं 1 से 2 मिनट तक भून लूंगी, लहसुन अदरक की थोड़ी स्मेल चली जाए। इसको 2 से 3 मिनट तक के लिए भून लेंगे, फिर उसके बाद इसमें हम अपने सूखे मसाले ऐड करेंगे। तो देखिए, ये मैंने प्याज और लहसुन अदरक डाल के गोश्त डाल के भून लिया है 2 से 3 मिनट तक। अब मैं इसमें सारे सूखे मसाले और नमक ऐड कर दूंगी। इसको भी 1 से 2 मिनट तक भून लूंगी। यहाँ मैंने इमाम दस्ता लिया है और जो सौंफ और धनिया था उसको मैं थोड़ा कूट लूंगी, मोटा मोटा सा दरदरा से कूट लूंगी, उसके बाद डालूंगी मैं। सौंफ और धनिया का उड़द में फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। बहुत से लोग इसकी पोटली बना के भी डालते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही। इसको देखो, इसका तेल छूटने लगा है गोश्त का। इसको 1 से 2 मिनट तक और भून के फिर मैं अपने थोड़ा दिस में डाल दूंगी और फिर इसकी सीटी लगा लूंगी मैं। तो देखिए, गोश्त भुनने लगा है, मसाला जो था तेल छोड़ने लगा है इसका।
अब गोश्त मेरा भून चुका है ना, मसाले थोड़े भून चुके हैं जो मैंने सारे इसमें ऐड किए थे, तेल भी छोड़ दिया। अब मैं अपने इसमें उड़द डाल दूंगी। ताकि मैं इसको मिक्स कर लूंगी। मैं 102 मिनट और भूनूंगी इसको। इसको भूनने के बाद फिर मैं इसमें एक गिलास पानी ऐड करूंगी, एक से डेढ़ गिलास, क्योंकि हमारे उड़द फूलेंगे अभी। उसके बाद मैं इसमें सीटी लगा दूंगी और अपने 4 से 5 सीटी, जितना आपका गोश्त गल जाए और उड़द गल जाए उसके हिसाब से आप सीटी लगा लेंगे इसमें। देखिए मैं इसमें पहले एक गिलास पानी डाल रही हूँ, अगर मुझे और नीड होगी तो मैं और डालूंगी पानी। पहले एक गिलास डाल के मैं चेक कर लेती हूँ। अभी इसमें एक गिलास पानी और जाएगा, क्योंकि दोस्तों एक ही बार में जो पानी डल जाए वो सही रहता है। अब मैं यहाँ एक गिलास पानी और डाल रही हूँ। अब मेरा पानी बिल्कुल परफेक्ट है। अब मैं इसको कुकर के ढक्कन को कर दूंगी बंद और इसमें ढक्कन को कर दूंगी अब बंद में। अब इसमें लगा लूंगी 4 से 5 विसल। उसके बाद फिर मैं चेक करूंगी क्या हाल है उड़द और गोश्त का। तो जब तक के लिए मैं अपने धनिया मिर्ची काट के रखती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें 5 से 6 विसल आ चुकी हैं और मैं अब चेक करती हूँ उड़द और गोश्त को गले हैं या नहीं। देखिए माशाल्लाह से मेरा गोश्त भी गल चुका है और ये मेरे उड़द भी गल चुके हैं, बहुत अच्छे से गल चुके हैं ये देखिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ मैंने थोड़ा सा पानी की मुझे नीड थी तो मैंने यहाँ पानी डाला है गर्म करके थोड़ा सा, आधा ग्लास करीबन, और थोड़े से उड़द में ऐसे चम्मच मार लेंगे। आप इसमें हम अपने हरी मिर्च डालेंगे मोटी मोटी ऐसी काट के। तो देखिए मैंने हरी मिर्च डाल दी है। अब मैंने गैस की फ्लेम को भी ऑन कर दिया है एक इसमें उबाल आने तक। देखिए माशाल्लाह से मेरा उड़द गोश्त कितना अच्छा बना है। तो देखिए माशाल्लाह मेरे उड़द का कलर कितना अच्छा आया है। अब इसको एक उबाल आने तक मैं पकाऊंगी, फिर उसके बाद ढक्कन लगा के ऊपर से मैं इसमें वगार करूंगी। वगार मैं प्याज का करूंगी, जीरा और प्याज से। फिर उसके बाद हरा धनिया डाल के मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। देखिए मेरा उड़द कितना अच्छा लग रहा है देखने में, जितना देखने में अच्छा है माशाल्लाह खाने में उतना ही टेस्टी होगा। उड़द चावल भी बनाऊंगी मैं अभी। उड़द तो और चावल का तो मेल ही अलग है, आप रोटी पराठे से भी खा सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ मेरा बघार बिल्कुल रेडी हो गया है। अब मैं गैस की फ्लेम को कर दूंगी बंद और इसे डालूंगी अपने उड़द में। तो देखिए अब मैं अपना उड़द अपने सालन में डाल दूंगी, बघार सॉरी उड़द में डाल दूंगी। ऊपर से डालूंगी धनिया पत्ती। देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा कलर आया है मेरे उड़द का, सालन का। और ऊपर से डालूंगी थोड़ा सा गरम मसाला। तो दोस्तों देखिए मैं अब अपने उड़द को डिश आउट करती हूँ।
देखिए माशाल्लाह मेरा कितना अच्छा कलर आया उड़द में। इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ती से मैं गार्निशिंग कर दूंगी। आप अदरक भी डाल सकते हैं ऊपर से। थोड़ा सा मैंने प्याज रोक रखा था, प्याज डालूंगी। तो दोस्तों देखिए माशाल्लाह से मेरा उड़द ये बिल्कुल बनके रेडी है और देखने में कितना डिलीशियस लग रहा है, खाने में उतना ही टेस्टी है। साथ में मैंने बनाया है इसका जीरा राइस, उड़द और जीरा राइस। तो दोस्तों अगर मेरी आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज मुझे सपोर्ट करें, कमेंट करके बताएं, ट्राई जरूर करें, फिर उसके बाद मुझे कमेंट करें और प्लीज मेरी वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। जब तक के लिए मैं चलती हूँ, अगली रेसिपी के साथ मिलूंगी। अल्लाह हाफिज, दुआओं में याद रखिएगा।